अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सबको ऐसा सबक सिखाती कि सबके होश ठिकाने आ जाते। तो क्या करूं मैं? आपको लगता है बेइज्जती आपकी हुई है? नहीं अम्मी, कितनी मोहब्बत से मैंने, इबादत ने, मन्नत ने सबके लिए खाना बनाया और आपने एक मिनट में सब कुछ खराब कर दिया। क्यों अम्मी, किस लिए? सुबह तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो, वो भी सबके सामने। आ तो क्या करूं अम्मी, जब से इंडिया आए ना मैं देख रहा हूँ अब्बू से कैसे बात करती हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें डांट देती हैं। आप शायद भूल जाते हैं कि उम्र में आपसे बड़े हैं। मैं मानता हूँ मन्नत ने जिस तरीके से आपसे बात की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपने भी सही नहीं किया, हमें बहुत गलत किया। तो क्या हो गया? अगर मन्नत ने अपनी बहन की साइड ली, उसकी तरफदारी की, तो क्या गलत किया? अगर इबादत ने अपनी बहन को थप्पड़ खाने से बचाया तो क्या गलत किया? अगर मैं और सूफी भी होते ना तो यही करते। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। एक बेटी से आप इतनी मोहब्बत करती हैं, दूसरी से इतनी नफरत, फॉर व्हाट रीजंस? बस बहुत सुन ली तुम्हारी बात। और तुम तो बहुत खुश होगी ना कि आज मेरा सुभान मेरे खिलाफ हो गया और मेरा सुभान इस मनहूस इबादत की तरफदारी कर रहा है। पर जिसकी तारीफ में तुम अपनी माँ को भूल गए हो सुभान, उसकी गंदी हकीकत से तुम वाकिफ नहीं हो। जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बच्चलन, बेशरम और आवारा लड़की। जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। तुमने इसकी सूरत तो देखी है लेकिन इसकी करतूत नहीं देखी। अम्मी फूफी जान, अपनी हद में रहो कायनात। बस करो कायनात, चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। बहुत ज्यादा तरबियत 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 करती फिरती हो ना, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बेटी कितनी आवारा है और कितनी गंदी हरकतें करती है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कायनात, ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही हो तुम इस बच्ची पर, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा, इसे हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती और मुझे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए? डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।